हे गाइस, वेलकम अगेन दिस चैनल। सो गाइस, आज का हमारा जो रिएक्शन वीडियो होगा वो होगा करण औजला के न्यू सॉन्ग, जो कि सिद्धू पाजी को ट्रिब्यूट है। सॉन्ग का नाम है माँ, और ये मतलब एक दोस्त का एक दोस्त के लिए प्यार है उसके दिल के अंदर। मतलब उसके जाने के बाद जो दुख है ना, वही इस गाने के अंदर उसने बताया का जो दुख है वही बयां किया इस गाने के अंदर। इंस्टाग्राम पे भी उनके जाने के बाद करण औजला ने अपनी पोस्ट डाली थी, लेकिन उन्होंने अपने इसका नाम मेंशन नहीं किया था। कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने इसका नाम से अपने फेम के लिए उनका नाम को यूज़ किया था, बट असल दोस्त वही होता है कि जो उसका नाम का यूज़ अपने लिए ना करे, हालांकि उसके जाने के बाद ऐसा ना करे। और मतलब कुछ लोग थे, लेकिन फिर भी इनकी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चली थी। और यार, एक दोस्त का जो प्यार था ना उस गाने के अंदर, कैसा आया है उस दोस्त के दिल के अंदर उसके जाने के बाद, क्या क्या भरा होगा उसका दुख जो होगा ना इस गाने के अंदर, साफ झलकेगा। और हालांकि ये गाना मतलब ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, ये मतलब गाना लीक हो गया है। यार, ये लीक नहीं करना चाहिए था। हम इसके ऑफिशियली गाने का मतलब इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कब ये गाना है, कब ये सुनेंगे। और करण औजला के साथ ये गलत हुआ है कि उनका जो गाना है, यार किसी के मेहनत का इतना मतलब नहीं करना चाहिए कि उसकी मेहनत ख़राब हो जाए। तो ये ऑफिशियली सॉन्ग आना चाहिए था, हालाँकि ये लीक सॉन्ग है, ये लीक हो चुका है। सो क्या करें, डिमांड के ऊपर यदि बनाना पड़ रहा है। सो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस गाने के अंदर क्या है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, सिद्धू पाजी के लिए इतना तो बनता है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं उदी माँ बोल दिया, ये उनकी गलती है जिस पे उनको गोलियां मारी गई थी। हाय, मैं उदी माँ बोल दिया, सानू रोड़ता जी नहीं सी जिन्ना रोलना, साडे पुत ने कदी नहीं हुण बोलना। हाय, मैं हुण ता बोल दिया, फिर मैं उदी माँ बोल दिया, जिन्ने अपनी खवा के सी उपालिया, जिदे पुत नू से आस्ता ने खा लिया। हाय, मैं हुण मैं तेरे जिगरे ना दुख जरिया, जदू आखरी बारी मैं हाथ फड़िया, वे साडे ते किदां दा दिन चढ़िया, तेरा आखरी बारी मैं जूड़ा करिया। हाय, मैं हुण तां बोल दिया, वे मैं ओदी मां बोल दिया, सानू रोड़दा जिने सी जिन्ना रोलना, साडे पुत ने कदे नी हुण तां बोल दिया, वे मैं ओदी मां। भाई, इसके अंदर जो माता जी करके आना, उससे बोल के अंदर इतना कुछ है ना यार, मतलब जो देख दिया बिना दुख खोलना, साडे पुत ने कदे नहीं हुण बोलना, ताही मैं हुणे आप बोलदा। हाय, मैं ओदा बाप बोलदा, जिदे पुत ने कदे नहीं हुण मुड़ना, हुणे आ गया बापू मैं सुनू हुण ना, ताही मैं हुणे आप बोलदा। हाय, मैं ओदा बाप बोलदा, प्यार खुलिया आनी सी कर डोली, कीनू आखू खाला रोटी, कीनू आखू ख्याल रखी, कीनू आखू दुनिया माड़ी, बापू नू पुत ना तू मेरा।
मां प्यो तो पुत दे विछोड़े दा दुख इस नूं मैं बहुत चंगी तरह जानदा। इस चीज नूं लिख के जां गा के बयान नहीं कर सकदा, ये सिर्फ महसूस ही हो सकती है। ये उन्हूं पता जिहदे नाल होई है, दुख बहुत गल्लां दा, पर उन्हां चों सब तो वड्डा दुख इह आ कि हुण मैं बोल रहा पर ओह नहीं बोलदा। हाय मैं उहदा बाप बोलदा, हाय मैं उहदी मां बोलदी आ, हाय मैं उहदा बाप बोलदा, हाय मैं उहदी मां बोलदी आ। यार गाना मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। इसके अंदर जो भी मतलब बंदे के अंदर फीलिंग थी मतलब पूरी जाहिर की गई है। और मतलब जो लास्ट में इसने बोल बोला ना कि यार मतलब ये ऐसा दुख है ना, ये गाने के जरिए बयान नहीं किया जा सकता है, ये महसूस किया जा सकता है। और तो यार मतलब माँ बाप है उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो जो माँ है जिन्होंने लास्ट वो फर्स्ट बोल दिया था ना कि यार मैंने तेरा लास्ट वारी जो जुड़ा करिया दिन भर आया उस चीज़ के ऊपर। और मतलब कि हम बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो बंदा देख ही नहीं सकता उसके बारे में क्या। मतलब यार मतलब इतना अच्छा गाना लिखा है यार भाई ने यार, और ये लीक कर दिया यार, मतलब किसी के फीलिंग के साथ, मतलब इतना गंदा मजाक है और जो छेड़छाड़ जो की गई है ना इस गाने को लीक करके, मतलब एक इंसान के मतलब से जो आत्मा होती है ना उसको ऐसा लग रहा है कि बाहर निकाल दिया एक शरीर से यार। और यार मैं बताऊँ यार, ये बंदा ना मतलब जो सिद्धू पाजी है ना यार, लेजेंड नॉट डाई, कभी मतलब मरेगा ही नहीं है, लेजेंड है और ये मतलब अमर है यार। और भाई ये हमारे सब हम सब लोगों के दिलों में जिंदा है। और इनके माँ बाप के लिए क्या होता है कि कुछ लोग जो इनके घर पे जा रहे हैं ना वो फेम के लिए जा रहे हैं, और मतलब इनकी इमोशन की उनको कदर नहीं है। तो करण ओजला मतलब इतने काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके करीब थे, तो उन्होंने मतलब इनको ये ट्रिब्यूट दिया, उतना अच्छा ट्रिब्यूट दिया है। सो गाना बहुत ही अच्छा था यार, मजा आ गया इस गाने में सुन के। सो आपको कैसा लगा ये गाना मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे यार, सिद्धू पाजी के लिए प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।